डोरेमोन ऑटो वर्कशॉप एंड वॉशिंग सेंटर रिकांगपियो, कॉन्टेक्ट फॉर एसेसरीज, टायर पंचर, ग्रीसिंग एंड मैकेनिकल वर्क्स, नियर हॉस्पिटल मोड, सराय भवन रिकांगपियो। प्लीज कॉन्टेक्ट मोबाइल नंबर 7018882884, 7876580907। नमस्कार दोस्तों, किन्नौर पेज से मैं राम भगत नेगी। अभी आप देख रहे थे हरियाली और खुशहाली एपिसोड में बिटिया पीएम नेगी का एक वीडियो। आपने समाचार पत्रों में या फिर आपने अन्य बहुत सारे चैनलों में देखा होगा कि पीएम नेगी जो हमारी हिमाचल की किन्नौर की बिटिया है, एक शेरनी की तरह लड़ी और
गोल्ड मेडलिस्ट जो है गोल्ड मेडल जीत कर वो हिमाचल आई। तो वैसे तो पीएम नेगी के बारे में बहुत सारे जो है ऐतिहासिक जो है कहानियां हैं, बहुत सारे उनके खेलों पर जो चर्चा है। और मैं बताना चाहता हूँ कि प्रियम नेगी हमारे किन्नौर से संबंध रखती है, उनके पिताजी समाज सेवा और सामाजिक कार्यकर्ता पवन नेगी की पठानिया पहाड़िया है। पवन नेगी पहाड़िया, आपने देखा होगा कि पवन नेगी ऐसी शख्सियत है जो समाज के अंदर में किन्नौर जो एक हिमाचल के अंदर में उन लोगों का जो है सेवा करते हैं जो गरीब है, लाचार है, बेबस है, जो इलाज करने में सक्षम नहीं है। आपने देखा होगा कई बार पवन नेगी ने जो है रामपुर के अस्पताल में बहुत सारे लोगों को जो है वहां पर ले आकर जो है लोगों से मदद लेकर जो है वहां पर उन्होंने उनका इलाज करवाया है। ऐसे सामाजिक कार्यकर्ता की बेटा निडर और शेरनी बेटी, और जो मुंबई में जो है जो PML के खेल में जो है वहां पर भाग लेकर जो है गोल्ड मेडल हासिल करती है, और हमारे लिए गर्व की बात है। बिटिया जो है हमारे हिमाचल की और किन्नौर से संबंध रखती है प्रियम नेगी। जैसे कि हमने बताया कि बिटिया का जो है एक अलग प्रकार का खेल है, ये जो PML जो खेल है एक अलग प्रकार का है। बॉक्सिंग और आपका कराटे सभी प्रकार के इसमें दांव पेच चलते हैं। इसमें आपका मारधार लात से लेकर हर प्रकार के यहाँ पर जो है लात घूस सब चलते हैं। इस प्रकार के खतरनाक खेल को प्रियम नेगी जो है खेल रही है, और हमारे किन्नौर का नाम, हमारे हिमाचल का नाम, हमारे भारत का नाम उज्जवल कर रही है। आज प्रियम नेगी जी का जो ऐतिहासिक जो यहाँ पर जो चर्चा होगी, आपने बताएंगे कि इन्होंने रोड़ू में भी गोल्ड मेडलिस्ट जीता है, और इसके बाद नासिक में इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है, और एशिया का सबसे बड़ा इवेंट में गोल्ड मेडल जिसे IHFF में वहां पर भी इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है, और अभी PML में जो है गोल्ड मेडल जो मुंबई से जीत के आए। तो प्रेम बिटिया को बधाई देते हैं और उनके परिवार को भी, और खासकर हिमाचल के लोगों को जो इतना प्यार दे रहे हैं, और खासकर हमारे किन्नौर के बिटिया को भी हम यहाँ पर बधाई देते हैं। तो वर्तमान में प्रियम नेगी ने गोल्ड मेडल तो जीता है, लेकिन एक उड़ान होती है, एक आशा होती है कि ऊंचाई तक जाना, और इनकी आशा है कि वो भारत के लिए खेले और अपने हिमाचल का नाम जो है स्वर्ण अक्षरों में लिखे और हमारे किन्नौर का नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखे, ऐसी उनकी इच्छा है। सपनों की उड़ान लेकर हमारी बिटिया आगे जाना चाहती है, लेकिन जब भी हम कहीं भी किसी भी जो है सपनों को साकार करना चाहते, तो कहीं ना कहीं हम जो है अपने अपने जो परिस्थितियों से जो है अपना जो है जीवन का जो जो उद्देश्य उसको कर नहीं पाते हैं। यहाँ प्रियम बिटिया अभी 1-2 महीने के अंदर में इन्होंने एशिया में जाना है, जहाँ रशिया में जाना है, जहाँ पर 3-4 महीने का जो इनका गेम की ट्रेनिंग होगी। इन 3-4 महीनों में इनका 4-5 लाख का खर्चा भी होगा। ऐसे में आपको पता है कि अचानक ही बेटी को जाना है और अचानक ही घर वालों को बंदोबस्त करना, ये सब तो संभव नहीं है। लेकिन हमारी बिटिया है, हमारे किन्नौर की बिटिया है, हिमाचल की बिटिया है, भारत की बिटिया है, हमारे देश का नाम उज्जवल कर रही है। तो ऐसे में चंद समय में, कम समय में जो है इन रकमों को पूरा करना जो एक पिता के लिए भी एक चुनौतियां भरा और संघर्ष रहता है, क्योंकि इन्होंने अपने जीवन में बहुत सारे लोगों की सेवा करके, बहुत सारे लोगों के लिए आह्वान करके इलाज किया है। तो कितनों से ये जो है मांगते रहेंगे, लेकिन फिलहाल फिर हमारा प्रयास रहेगा किन्नौर पेज के द्वारा, अगर आप हमारी बिटिया को मदद करना चाहते हैं, तो हमने जो है स्टेटस में डाला हुआ है कि बिटिया का गूगल नंबर, बिटिया का अकाउंट नंबर, क्योंकि रशिया में जाना है और खेल का प्रदर्शन को सीख कर आना है और अब भारत के लिए खेलना है, और इस चुनौती को स्वीकार करने के लिए हम सबको भी एक पहल करना होगा कि बिटिया को आगे ले आने के लिए। तो चलिए ये चर्चा तो चलता रहेगा, ये आप और हम की जिम्मेदारी रहेगी, बिटिया को हम रशिया पहुंचाएंगे और उनके खेल में खेल में जो है सीखने का, खेल के जो है उड़ान को भरने का जो हम भरसक प्रयास करेंगे। तब तक हम बिटिया की जो अन्य रुचियां हैं और खेल से संबंधित जो बातें हम यहाँ पर चर्चा करेंगे, और इस बीच में हम कोशिश करेंगे अगर समय रहा तो हम पवन नेगी पहाड़िया जो एक सामाजिक कार्यकर्ता है, जो समाज के लिए हर वर्गों के लिए काम करती है, चाहे वो
अशिक्षित वर्ग हो, चाहे वो ड्राइवर वर्ग हो, मतलब गाड़ी के वर्ग हो, उनकी कोई परेशानियां हो या फिर कोई मजदूर वर्ग हो, सबके लिए वो काम करते हैं। तो मिलते हैं हमारी शेरनी बिटिया से, जो अभी हाल ही में मुंबई से जो है गोल्ड मेडल जीत कर आए हैं। और अभी तक जो है हमारे जितने भी गोल्ड मेडल है या सिल्वर मेडल है वो जीत कर आए हैं। इस बिटिया को बधाई देते हैं और उनसे चर्चा करेंगे आगामी जो उनकी क्या क्या रणनीतियां रहेगी, किस प्रकार से वो जो है इस खेल को आगे लेना चाहती है, ये सब बातें हम चर्चा करेंगे प्रियमनी के साथ। आप सभी जुड़े रहें और ज्यादा से ज्यादा बेटी को सपोर्ट करने के लिए शेयर करें और मदद के लिए जो हमने एक आह्वान किया है हमारी बिटिया, हमारे घर की बिटिया, खासकर किन्नौर वालों से, क्योंकि किन्नौर से संबंध रखती है और हमारे किन्नौर की बिटिया है। तो मैं अपील करूंगा सभी से कि बिटिया को रशिया में जाने के लिए हम सब एक भरसक प्रयास करेंगे और इनके अकाउंट में जितना हो सकता है 100, 200, 300, 400, 500 से लेकर 5 लाख तक का प्रयोग जो है जो मदद है उसको करने का प्रयास करेंगे, ताकि बेटी की उड़ान जो है वो रशिया जाए और सपनों को साकार कर सके और ऐसे कई अनगिनत गोल्ड मेडल हमारे भारत के लिए लाए। मिलते हैं बिटिया से। प्रियम बिटिया, आपका किन्नौर पेज में हार्दिक स्वागत और आपको बधाई। नमस्ते, थैंक यू सो मच। हमारा इस एपिसोड में दूसरी बार आपके साथ मुलाकात है, कि पहले भी हमने आपके साथ एपिसोड चर्चा किया था और हमें खुशी होती है, खासकर अगर हम किन्नौर की बात करें और किन्नौर की बेटियां, आपको आप तो हर दिन पेपर में पढ़ते होंगे, हर चीज हर फील्ड में जो है अव्वल है, चाहे शिक्षा को लेकर, खेल को लेकर या अन्य। आप तो हमारी बिटिया हवाई जहाज के पायलट तक बनने के लिए बने भी है, तो ऐसे कई हमें गर्व होता है हमारे किन्नौर की बेटियों को, और खासकर आपके माता पिता को भी बधाई। जी धन्यवाद। बिटिया, जब भी हम जो है, पहले आपका हम परिचय जानना चाहेंगे। वैसे तो आपको प्रियम नेगी सभी जानते हैं, आप अपना परिचय स्कूल से साथ खेल का, ये दोनों मिश्रण जरूर करें ताकि लोग अच्छी तरह से समझ पाए। स्वागत है बिटिया। धन्यवाद, नमस्कार। मेरा नाम प्रियम नेगी है, मैं सांगला से रहने वाली हूँ और मेरी स्कूलिंग अभी रामपुर से हुई है और अभी मैं पीजी कॉलेज रामपुर में पढ़ रही हूँ। जी, जैसे कि आपने कहा कि सांगला से है और आप अभी रामपुर में पढ़ रहे हैं, और बहुत बहुत बेहतरीन। और खेल को लेकर अगर हम चर्चा करेंगे तो बिटिया, ये जो आपका खेल है बहुत ही डेंजर खेल है, कहीं भी आपको चोट लग सकती है, कहीं भी आपको जो है प्रॉब्लम आ सकता है, लेकिन आपने इतनी चुनौती भरा जो है खेल को चुनना, ये आपने बहुत कठिन कार्य किया है। तो ये इसके पीछे किसका तो बिटिया का संपर्क टूटा है, तो आपको बताना चाहेंगे कि बिटिया ने जो है गोल्ड मेडल अभी जीता है। तो ये जो शेरनी जैसा दिल है, इसके बारे में आप बताएंगे, क्योंकि ये खासकर मर्दों में रहता है इतना जो है उत्साह और ऊर्जा और जोश। आप ये मारधार का मतलब एक खेल है, फिर भी एक इसमें फ्री स्टाइल खेल है जिसमें कहा गया है कि लाते घूसे सब कुछ चलेगा, ये जुनून आपके अंदर में कैसे समाया? स्वागत है आपका। सर, पहले तो मैं एमएमए के बारे में बताऊंगी। एमएमए मिक्स मार्शल आर्ट्स एक ऐसा गेम है जिसमें हर गेम का मिश्रण है, बॉक्सिंग, किकबॉक्सिंग, कराटे, जूडो, रेसलिंग, हर चीज का। और दूसरी बात ये कि मेरे को बचपन से ही इस चीज का शौक था, घर वालों ने शौक को देखते हुए अकेडमी ज्वाइन करवाया और आज उन्हीं की वजह से मैं आज यहाँ पे हूँ, उन्हीं का ही जो सपोर्ट मिलता है इन सब चीजों के लिए। जी, बहुत बेहतरीन कि माँ बाप का सपोर्ट नहीं हो तो हम आगे बढ़ते नहीं है, और माँ बाप का सपोर्ट मिलते तो हम जो है ना कहते कि हम चांद तक जो है चांद को छूने की भी कोशिश करते हैं। और आपके लिए पवन जी, आपके लिए और आप दोनों के लिए जो माता पिता हैं आप दोनों, इनके मतलब आप दोनों के लिए बहुत बहुत बधाई और आभार भी प्रकट करते हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ जो अभियान की तरह जो एक चलता है हमारे भारत में, उसको आप एक सक्षम मोड़ पर ले जा रहे हो। क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि भारत के अंदर में, हिमाचल के अंदर में, किन्नौर के अंदर में, जहां भी जाए तो प्रथम जो है बेटों को जो है अहमियत देते, लेकिन आपने दोनों को बैलेंस रखा है। बेटा आपका संगीत की ओर जा रहा है, संगीत की ओर बहुत बेहतरीन नाम कमा रहा है, और बेटी भी जो है
खेलों में रुचि ले रही है। बिटिया, जैसे कि आपका रोड में गोल्ड मेडल जीता है, नासिक में सिल्वर मेडल जीता है, एशिया में एशिया के इवेंट में भी आपने गोल्ड मेडल जीता है, तो इतने सारे जो है गोल्ड मेडल के लिए बहुत सारे स्ट्रगल करना पड़ता है, तो समय का एक पाबंद रहता है, ये किस प्रकार का आप जो है मैनेजमेंट कर लेते हो? सर, अभी पहले तो मैं यही रामपुर में ट्रेनिंग करती थी, तब पहले कॉलेज जाना होता था, फिर ट्रेनिंग पे जाना होता था, फिर वापस घर आना होता था, पर अभी मैं प्रशिक्षण ले रही हूँ एमपी में वीरा फाइटिंग क्लब से। मेरे पेरेंट्स ने मुझे वहां तक पहुंचाया और अभी मैं वहां पे अपना ट्रेनिंग पूरा कर रही हूँ। जी विद्या, अगर हम शिक्षा की बात करें वर्तमान में, अब आपका जो आप खेल ही है, लेकिन पहले कहते थे कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, अब है कि खेलोगे कूदोगे बनोगे नवाब, दोनों बराबर ही है। खेल को लेकर के आपका अब सारा जो स्ट्रेस है, सारा जो आपका उत्साह ऊर्जा है, जो आपको खेल में ही जो फोकस रहता है, या फिर आगे आपका और भी पढ़ाई को लेकर अन्य और भी है? सर, अभी तो मैं स्टडी और क्या कहते हैं स्पोर्ट्स को साथ लेके चल रही हूँ। फिलहाल मेरा कॉलेज हो रहा है, साथ साथ में जो हमारी भर्तियाँ निकलती है उसकी तैयारी भी हो रही है, उसकी कोचिंग भी अलग से चलती है मेरी, और स्पोर्ट्स भी साथ साथ चल रहा है। एमपी जिस में प्रकार जाकर से मैं इन सब चीजों आपका का वो करती। जी बिटिया, जिस प्रकार से अभी आपका हेल्थ को अगर हम बात करेंगे तो बेटियों के बारे में, तो आपका हेल्थ को लेकर आप हेल्दी लग रहे हो, मोटे हट्टे कैसे लग रहे हो, तो फिटनेस को लेकर हम बात करेंगे, तो क्या इस गेम में हमें एक वेट को लेकर चलना पड़ता है? क्या मतलब वेट के हिसाब से फाइट होता है कि वेट और हाइट के हिसाब से? इस गेम में या फिर बोले तो हर गेम में पर्टिकुलरली हमको अपना वेट वेट का प्रो रहता है, वेट वाइज हमारी फाइट होती है। इसमें जी डजेंट मैटर तुम्हारे सामने कौन सी एज के ग्रुप की लड़की है, इसमें मैटर करता है कि तुम्हारा वेट कितना है, तुम्हारा बॉडी वेट का कितना वो है। मैं 51 kgs में खेलती हूँ और मेरे साथ जो है 51 kgs की ही लड़की पड़ेगी आगे जाकर, डजेंट मैटर वो 20 ईयर्स की है, वो 17 ईयर्स की है। जी पिछली बार हम आपके साथ एपिसोड में जुड़े थे, उसमें आपने कहा था कि इस प्रकार के खेल के लिए हमारे हिमाचल में बहुत संसाधन कम है, फिर भी आप जो इस चीज के लिए आप जो है ना जो पापा ने जो कोचिंग डाला है, तो कोचिंग का लगभग खर्चा कितना रहता है जो आप पिताजी उठा रहे? सर, अभी तो हम मतलब हिमाचल में, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि इसके लिए कोई बड़ा एकेडमी नहीं है ना, कोई बड़ी जगह है। पहले हम यहाँ पे एक स्कूल में करते थे, पर अब यहाँ से बाहर निकलने की जरूरत है, क्योंकि एक एथलीट को सबसे ज्यादा होता है कि उसका ट्रेनिंग और डाइट कैसे रहता है। तो वहाँ पे वीरा फाइटिंग क्लब में एमपी में मैं प्रशिक्षण ले रही हूँ, वहाँ पे 1 साल का 3 लाख रुपए खर्चा आता है, अब आपका ट्रेनिंग डाइट से लेकर हॉस्टल तक का। जी बहुत बड़ी बात होती है, खासकर अगर हम बात करेंगे शिक्षा को लेकर, तो हम लोग जो है शिक्षा के लिए खर्चा उठाते भी है और देते भी है, लेकिन इस प्रकार के डेंजर खेल के लिए और फिर इन्वेस्ट करना, और पिताजी की एक सोच बहुत बेहतरीन सोच, क्योंकि कई बार क्या होता है कि माताएं होती पीछे से, अच्छा कभी कभार माता ने जो पिताजी को टोकने की कोशिश किया है कि आप जो है इतना डेंजर खेत में मत मत ढालो बेटी के लिए, ऐसा कभी कोशिश किया माताजी ने पिताजी को टोकने की? जी, जब मैं रिंग पे चढ़ती हूँ, ये हमेशा ही होता है कि जब मैं रिंग पे चढ़ती हूँ तो पीछे से जो पेरेंट्स थोड़े से घबरा जाते हैं। जब मेरा फर्स्ट फाइट था, मेरे पापा ने फर्स्ट टाइम ब्लड फाइट देखे, वहां पे एक ब्लड फाइट हुआ था, उसको देख के मेरे को ये बोलते थे कि चल रहने दे, अब मतलब हो जाते हैं, डर बैठ जाता है पेरेंट्स के दिल में कि कहीं हमारे बच्चे का ब्लड आ गया तो। पर नहीं, फिर भी उन्होंने हौसला दिया कि चल कुछ नहीं, कुछ करके तो आ जा, और वहां देख के वो परफॉर्मेंस देख के, वहां पे मेडल देख के, शायद मेरे अंदर से कुछ देख के उन्होंने मुझे आज तक भी सपोर्ट कर रहे हैं, अभी तक सपोर्ट कर रहे हैं। बहुत बेहतरीन, जो आपने जो गेम के बारे में बताया, तो इसमें ये जो क्या रसलिंग के तरह मिलता जुलता गेम है या फिर अलग है? जी
जी मिथिया, मैंने आपसे सवाल किया कि जो MMA गेम का जो आपने बताया, ये रसलिंग की तरह मिलता जुलता गेम है या फिर डिफरेंट गेम है ये? सर ये हर गेम का मिश्रण है। जैसे मैंने पहले कहा, इसमें बॉक्सिंग भी होता है, कराटे, रेसलिंग, जूडो, हर चीज, मतलब एक फ्री स्टाइल गेम है ये। आप इसको बस कुछ सेफ्टी के साथ आप इसको खेल सकते हो। आगे जाके प्रो लेवल पे आपका बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म मिलता है आपको इस गेम से। अच्छा, एक चीज और बिटिया, जैसे अन्य गेमों में एक टाइम टेबल होता है, जैसे बिटिया का संपर्क टूट गया है लेकिन बिटिया से हम जो है बातचीत जारी करते रहेंगे। जैसे कि मैंने कहा कि एक बेटी के लिए एक पिताजी इतना संघर्ष कर रहे हैं, आपने देखा कि कोचिंग भी कर रहे हैं, लाखों रुपए लग रहे हैं, और बिटिया उस पर जो खड़े उतर के जो है अपने घर वालों के लिए, अपने परिवार के लिए और अपने देश के लिए, अपने किन्नौर के लिए और हिमाचल के लिए गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल लाती रही है। और ऐसे में अभी जो है एक दो महीने के बीच में बिटिया को जो है रशिया जाना है। तो समाज सेवी जो हमारे पवन नेगी जी है, बहुत लोगों की सेवा करते हैं। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोगों का उन्होंने जो हॉस्पिटलों में ले जाते हैं, या फिर गाड़ी का जो है 2 किलोमीटर तक का वो गाड़ी फ्री सेवाएं देते हैं। ऐसे कई कमजोर वर्ग के लिए आवाज उठाते हैं, या हॉस्पिटल में जो डॉक्टर नहीं है तो उनके लिए आवाज उठाते हैं। पिछली बार आपने देखा उन्होंने अनशन भी किया था, वो काफी दिन तक अनशन में रहे और डॉक्टर को रोकने के लिए वो सफल भी रहे। ऐसी समाज सेवी बेटी और जो शेरनी बेटी है प्रियम नेगी, रशिया जाने वाली है और रशिया जाने के लिए 4-5 लाख रुपए लगना है। हमने जो स्टेटस में बिटिया का जो अकाउंट नंबर, गूगल नंबर डाला है, आप अपने सहयोग से जो भी राशि हमारी बिटिया को देना चाहते हैं तो जरूर दें, क्योंकि बिटिया का सपना को पूरा करना है। खासकर किन्नौर वालों से मैं पूरी जो है अपेक्षा उम्मीद रखता हूँ कि हमारा जो किन्नौर की बेटियों के लिए आप लोग मदद करेंगे। तो चलिए, चर्चा हम जारी रखेंगे बेटी के साथ। हाँ बिटिया जी, जैसे कि मैंने कहा कि जो जो हर गेम में एक टाइम टेबल होता है, जैसे आपका बॉक्सिंग है तो 3 या 4 मिनट का होगा रिंग में, तो ये जो गेम है कितने मिनट का होता है? इनमें सबसे पहले किन बातों को फोकस करना है कि सामने वालों को जो है आपने जो है मात देना है, तो क्या क्या आपको देखना पड़ेगा था? बिटिया आपको मेरी आवाज आई? जो अन्य गेम है जैसे बॉक्सिंग है और उनमें 3-4 मिनट का टाइम होता है, उस बीच में सर पहले आपका तो सर आपका टाइम टेबल 3 मिनट का एक राउंड रहता है और उसके बीच 1 मिनट का रेस्ट रहता है। और जब गेम स्टार्ट होता है उससे पहले हमें कुछ रूल बताए जाते हैं कि उसके। हाँ जी सर, आ रही है। जी बोलिए बोलिए। बोलिए बेटा। सर तकनीकी दिक्कत से थोड़ी सी संपर्क का घट रहा है, कम हो रहा है। तो मैंने आप लोगों से कहा कि बिटिया को रशिया जाना है और हमने यहाँ पर गूगल नंबर जो है और उनके संपर्क नंबर यहाँ पर डिस्प्ले किया है। अगर आप लोग हमारी बिटिया को मदद करना चाहते हैं और उनके सपनों को साकार करना चाहते हैं तो जरूर जो है बिटिया के अकाउंट में 500, 1000, 10, 15 जो भी आपकी श्रद्धा बनती है जरूर दें, ताकि जो है हमारी बिटिया का जो सपना है और बिटिया का जो खेल है वो आगे तक जाए, क्योंकि अभी उम्र बहुत ही कम है और जुनून है, जोश है। आपने देखा होगा कि बिटिया ने रोड में गोल्ड मेडल जीता है, नासिक में सिल्वर मेडल जीता है और एशिया के सबसे बड़े जो है इवेंट में भी गोल्ड मेडल जीता है, जो IHFF, और यहाँ पर MMA के जो इसमें भी मुंबई में गोल्ड मेडल जीता है। तो हरियाली और खुशहाली एपिसोड में हम उन जो है प्रतिभागियों को, उन बच्चों को लेकर आते हैं जो समाज के लिए और हमारे किन्नौर के लिए, हमारे भारत के लिए जो एक अलग से काम करते हैं, शिक्षा से लेकर, स्वास्थ्य से लेकर या फिर अन्य जो सामाजिक चीजों को लेकर, खेल कूद या जो भी है। तो ऐसे ही हमारे किन्नौर के अंदर में बहुत सारे बच्चे हैं जो अपने आप को जो है निखार रहे हैं खेल में, शिक्षा में या अन्य फील्ड में। तो हमारा फर्ज बनता है, अगर किन्नौर
किसी भी बच्चों का शिक्षा को लेकर जो कोई दिक्कत आ रही हो या खेल से लेकर आगे बढ़ नहीं पा रहे हो, आपको बताना चाहते हैं कि पिछली बार हमारे जो बरसेली से हमारे पर्वतारोही अभी नाम नहीं आ रहा, उनको पैसे की दिक्कत आने से एक जो इवेंट वो नहीं कर पाए, जो माउंट एवरेस्ट हमारे जो बरसेली से है उनका एक इवेंट रुक गया था, क्योंकि उन इवेंट में भी का 10-12 लाख रुपए लगना था। तो हमारी कोशिश होना चाहिए कि हमारे बच्चों का जब इस प्रकार का कोई खेल है या इस प्रकार का जो देश के लिए भारत के लिए एक गर्व की बात हो, गर्व सम्मान की बात हो, उस विषय को लेकर अगर बेटे आगे जुनून रख रहे तो उनका मदद करना, उनको हेल्प करना। तो यहाँ पर हमारे किन्नौर की बिटिया, सांगला से संबंध रखने वाली, और हमारे पवन नेगी पहाड़िया की बिटिया जो एक सामाजिक कार्यकर्ता है जो समाज के लिए दिन रात काम करते हैं, जैसे कि मैंने कहा कि पिछली बार उन्होंने एक बहुत बड़ा अनशन करके डॉक्टर को रामपुर में रुकवाया था और बहुत सारे गरीब मजदूर वर्गों के लिए जिनका इलाज नहीं हो रहा, जिनका पैसे नहीं है, वो मदद करते हैं, डोनेशन लेते हैं, उनका इलाज करवाते हैं। और ऐसे टाइम में बिटिया को भी रशिया जाना है और कम समय में बेटे को जो है पवन नेगी जो हमारे किन्नौर के बेटे हैं उनको जो है 4-5 लाख रुपए करना है। अगर आप लोग जो है भी मदद करना चाहते हैं हमारे बिटिया को जो है, तो जरूर जो है आप हमने स्टेटस में ढाला हुआ है जो अभी हम स्क्रीन में भी ढाल रहे हैं, बिटिया का नंबर डिस्प्ले हो रहा है, अकाउंट नंबर है, प्रियम नेगी का अकाउंट नंबर है, यूको बैंक का अकाउंट नंबर है और रामपुर का IFSC कोड सब इसमें हमने दिया हुआ है। तो आप जरूर जो है अब बिटिया को हेल्प करें। तो फिलहाल बिटिया से हम फिर जुड़ेंगे। जी पुनः स्वागत, आपको मेरी आवाज आ रही है बिटिया? जी हाँ जी सर, आ रही है। कम समय में आपको रशिया जाना है, और सबसे बड़ी बात है आपको जब आप मुंबई जा रहे थे और हमने सोशल मीडिया में पढ़ा था या न्यूज में पढ़ा था कि तो पिताजी के पास तत्कालीन जो है आपको ले जाने के लिए, आपको भेजने के लिए या साथ ले जाने के लिए पैसा नहीं था, लेकिन फिर भी जो है जो पिताजी ने आपके लिए एक सहयोग किया, ये गर्व की बात है, क्योंकि पिता का जो कंधा जो है ना कभी भी जो है झुकता नहीं है। तो पिताजी के लिए क्या कहना चाहेंगे उन परिस्थितियों में, कैसा जो है आपको मुंबई पहुंचा है, थोड़ा सा आप उसको डिस्प्ले करेंगे आप? मैं सिर्फ इतना ही बोलूंगी कि लाइफ में मुझे मेरे को नहीं पता होता कि कौन सी चीजें कहाँ से आती है, पर वो आ जाती है, शायद से पापा को बोल के आती है या फिर वो कहीं से करते, वो हमको पता नहीं होता, पर एक बार बोलो तो दोबारा वो आ जाती है। आपको और एक चीज बताना चाहता हूँ कि अभी कम समय में आपको, बहुत ही कम समय में, कहते हैं ना कि 1 या 1.5 महीने के में अंदर में आपने जो है रशिया जाना है, और आपने इस जो अपने खेल को और ज्यादा मजबूत करने के लिए, देश के मान सम्मान को बढ़ाने के लिए, हमारे हिमाचल को मान सम्मान बढ़ाने के लिए, अपने गांव अपने परिवार के समाज को मान सम्मान बढ़ाने के लिए आपने एक जुनून रखा है, कुछ करना है, ऐसे में कम समय में जो है दिक्कतें हैं पैसों का, आर्थिक का, तो क्या हमारे किन्नौर से युवाओं से, हमारे जो किन्नौर के जो वरिष्ठ है, युवा माता पिता आप ही नाने जो भी है, उनसे कुछ आप हेल्प चाहेंगे कि आपके वो सपना पूरा करें? मैं सिर्फ यही अपील करती हूँ कि आगे जाके मतलब किसी को भी, जैसे अभी मैं यहाँ से आगे जा रही हूँ, क्या पता हमारे पीछे कितने एथलीट हैं, अगर हम नहीं निकल पाए तो वो भी निकलेंगे नहीं कभी भी। इसीलिए आप हमें जितना सपोर्ट करें उतना ही अच्छा होगा मेरे लिए और उन एथलीट्स के लिए जो बाय फ्यूचर आगे बढ़ना चाहते हैं। जी हमें उम्मीद है कि आपका सपनों का साकार पूरा होगा, और रशिया जाने के लिए बहुत कम समय है, ऐसे में आपको क्या क्या तैयारी करनी पड़ रही है, आपको आपको फिटनेस को लेकर, खेल को लेकर, क्या आपने एक जो है टाइम टेबल बनाया है कि जैसे आपका सुबह पुशअप करना है, डाइटिंग करना है, रेस करना है, दौड़ना है, ऐसा कई चीजों को लेकर? जी जी हाँ बिल्कुल, हमें अभी बहुत कम टाइम में बाहर जाना है, हमें अपना बॉडी फिटनेस रखना पड़ता है, जैसे अच्छा डाइट करना होता है, बाहर जाके रनिंग, हम पहाड़ में रहते हैं इसलिए हमें ज्यादा अच्छा है कि हम जो है यहाँ पे रनिंग करें स्टेमिना इंक्रीज करने के लिए,
और हमें अपनी फिटनेस पे ध्यान देना होता है, अपने वेट पे ध्यान देना होता है, कितना बढ़ रहा है, कितना इसको कम करना है, या फिर कितना कम है, कितना इंक्रीज करना है इसको, और अपना जो है स्ट्रेंथ कितना गेन करना है अभी। और अच्छा बिटिया, बिल्कुल, जब आप रशिया के लिए जाओगे तो क्या उस समय आपका वेट, आपका हेल्थ सारा चेक किया जाएगा? जी बिल्कुल, वहाँ हमसे एक मेडिकल फिटनेस मांगी जाएगी कि आप क्या मेडिकली फिट हो, कहीं आप कोई ड्रग्स तो नहीं लेते हो, या फिर कहीं बाहर से आप इंजेक्ट तो नहीं करते हो अपने अंदर कि जिस वजह से आपका वो स्टेमिना और जो है स्ट्रेंथ इंक्रीज हो। डोप टेस्ट होता है उसके लिए हमारा, और बाहर के एकेडमी के लोग हमें हमें टेस्ट करेंगे, मतलब हमारा ब्लड सैंपल लेके उससे अलग अलग तरीके से टेस्ट करके हमें फिर पास करेंगे उस चीज से। कि हमें उम्मीद है कि आप हर टेस्ट में आगे निकलोगे और जो है जल्द जो है रशिया जाओगे और जो हमारे हिमाचल के लिए, हमारे भारत के लिए के अव्वल नंबर का खेल में जो आपको दक्ष लेना है, जो शिक्षा लेना है, एक लंबे की तरह वो शिक्षा ग्रहण करके और भारत के लिए खेलोगे, ये मुझे उम्मीद है। और मैं बताना चाहता हूँ कि आपके भाई भी बहुत स्ट्रगल करते हैं संगीत को लेकर, तो माता पिता का एक बहुत समर्पित भाव जो है देखने को मिलता है, खासकर आज के आधुनिक दौर पर, क्योंकि एक अलग शिक्षा से लेकर एक अलग फील्ड देना, पढ़ाने में तो सब पढ़ा रहे हैं, ऐसा कोई नहीं है कि पूरे किन्नौर में, हिमाचल में, भारत में नहीं पढ़ा रहा हो, लेकिन एक शिक्षा से लेकर अलग फील्ड, जैसे आपको गेम गेम को भी ट्रेनिंग दी है, गेम में आप अव्वल खेल रहे हो, और भाई को जो है एक अलग से फील्ड दिया संगीत को लेकर, ये बहुत बड़ी जो है सोच है, इस सोच को जो है सभी को अपनाना चाहिए। तो पिताजी और माताजी के लिए कुछ आपके पास कोई व्याख्या है जो एक वर्णन करना चाहेंगे कि उनकी इस ऊपर, आप दोनों के प्रति जो समर्पित भावनाओं को लेकर जो वो काम कर रहे हैं? पहले तो ये बात सही है कि जो मैंने या फिर मेरे भैया ने जो हमेशा एक फील्ड चुनी है स्पोर्ट्स से, जैसे मेरा स्पोर्ट्स है, मेरे भाई का म्यूजिक है, और हमारी मतलब स्टडी से अलग है वो चीज़, तो हमारे पेरेंट्स ने हमको कभी मना नहीं किया कि तुम मत करो। हम 8th या 7th क्लास से हम ये चीजें स्टार्ट कर रहे हैं अपने, मैंने बॉक्सिंग स्टार्ट किया था, मेरे भाई ने गाना स्टार्ट किया था, हमारे पेरेंट्स ने हमको हमेशा आगे बढ़ाया। मैं सिर्फ इतना बोलूंगी कि मतलब जैसे हमारे पेरेंट्स हमको आगे बढ़ा रहे हैं, हमें उनकी उम्मीदों पे खरा उतरना है। जैसे मैं अपने लिए मेडल ला रही हूँ या फिर अपने पेरेंट्स को देख के मेडल ला रही हूँ, वैसे ही जैसे दूसरे दूसरे लोग सपोर्ट करते हैं, तो हर इंसान को एक सपोर्ट की जरूरत होती है, जो हमें हमारे पेरेंट्स ही करते हैं, कोई बाहर वाला नहीं करता है। हम सोचते हैं हमारे पेरेंट्स हमें गलत क्यों कहते हैं, क्यों मना करते हैं यहाँ मत जाओ या फिर ये मत करो। जब एक लेवल पे आप आ जाते हो, जब आप एक सीढ़ी चढ़ जाते हो, तब आपको चीज रियलाइज होना शुरू होता है कि नहीं, हमारे पेरेंट्स हमको सही टोकते थे या फिर सही शायद इधर जाने के लिए मना करते थे। जी, बहुत बेहतरीन। आपके साथ पिताजी अगर होंगे तो उनको जोड़ने का प्रयास करें साथ में, ताकि हम उनसे थोड़ा सा चर्चा करें। और सर, अगर आप साथ में होंगे तो जरूर एक बार जो है लाइव आए। पिताजी है साथ में? जी बिल्कुल, जी पवन जी, एक बार थोड़ा सा आप सामने आएंगे सर? आ रहे हैं सर। जी, दर्शकों को जी सर बताना है। चाहता हूं कि नमस्कार किन्नौर, अब तक के लिए नमस्ते। आपको देख के मुझे भी वो जो जोश और उत्साह आता है, क्योंकि आपके अंदर में इस प्रकार का जो बेटी में एक ऊर्जा है ना, वो आप में आपके जेनेटिक है। आपने पिछली बार जो है हॉस्पिटल में एक आपने अनशन भी किया था, वो क्या कहते हैं डॉक्टर को लाने के लिए, मरीजों को एक सही जो है वहाँ इलाज मिले, तो संपर्क टूटा है पवन जी का, तो मैंने कहा कि पवन जी एक सामाजिक कार्यकर्ता है जो हर वर्ग के लोगों को जो है सेवाएं देते हैं, और उन्होंने पिछली बार जो है एक जन आंदोलन, बहुत बड़ा आंदोलन किया था। पवन जी, तो ये जी सर, आप सामाजिक कार्यकर्ता हो और समाज के लिए समर्पित रहते हो, ऐसे समय में आपने रामपुर के अंदर में बहुत सारे काम किए, हम आपके पेज के साथ अपडेट रहते हैं, आपके लिए बधाई सबसे पहले कि बिटिया जो है
हर टाइम देखिए रोडू से लेकर नासिक से लेकर और एशिया के बड़े गेम से लेकर और एमएमए के गेम से लेकर मुंबई से लेकर अब रशिया तक जारी है। आपके लिए बधाई। थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों का सहयोग है। और ऐसे कम समय में आपके पास एक चुनौती भी आया है, तो हमने हमारी एक प्रयास है हमारी खुद की चैनल के द्वारा कि बिटिया को हम खाली नहीं भेजेंगे, जितना हो सकता है हम इस चैनल के द्वारा लोगों तक आह्वान करना चाहेंगे। आप थोड़ा सा अपनी प्रतिक्रिया रखना चाहेंगे समाज के प्रति की, क्योंकि बिटिया का सपना उड़ान सपनों की उड़ान, ताकि वो भारत के लिए खिले, देश के लिए खिले, हमारे जो है समाज के में एक छवि बनाए और जो नए जो युवा है उनके लिए एक आदर्श बने, उनकी उनके मनोबल को देखते वो आगे भी जाए। तो ऐसे कम समय में हम चाहते हैं कि आप थोड़ा सा पब्लिक से रूबरू हो जाए और उनसे कहें कि जो बिटिया को रशिया पहुंचाने में मदद करें। आप अगर आपका एक दो शब्द भी रहता है तो बहुत कुछ रहता है, क्योंकि आप एक किन्नौर से भी जुड़े हैं और एक सामाजिक कार्यकर्ता भी हो। आप दूसरों के लिए तो मांगते हैं तो अपने लिए भी जरूरी है। स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद किन्नौर अब तक के लिए, जो हमारे लिए इतना प्रयास किया। मैं हमेशा आभारी रहूंगा, क्योंकि इतने कम समय में मेरे लिए बहुत ही चुनौती भरा समय है, क्योंकि मैं एक गरीब परिवार से संबंध रखता हूं और सांगला में मेरा पुश्तैनी घर है, जिसमें सेटल मैं इधर ननखरी में हूँ, अभी हाल ही में रामपुर में हूँ। शायद मेरे फेसबुक पेज के माध्यम से मुझे सभी लोग जानते हैं, मेरी सोशल एक्टिविटी ये रहती है, क्योंकि जो बेसहारा इंसान होता है, चाहे वो नेपाली मूल का है, चाहे वो हमारे हिमाचल का है, भारतीय कोई कहीं का भी है। मैंने एक बार पीछे रिटायर्ड जर्मन जज का भी यहाँ पर ऐसे ही सेवा किया था, 6 महीने में, 6 दिन में, जिन्होंने एक ईमेल डाली थी कि भाई भारत के अंदर में मुझे एक अपने बच्चे से भी बढ़कर इंसान मिला है, जिन्हें मुझे इतना सेवा किया कि मैं अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकता हूँ। तो मैं अपने ऊपर मैं फखर महसूस करता हूँ कि कहीं तो कहीं हम भारत का नाम और अपने हिमाचल का नाम, किन्नौर का नाम उजागर करने में सफल है। और फिर जो रही बेटी की बात, तो बेटी के लिए तो अभी बहुत बड़ी चुनौती है, इसलिए तो मैं हाथ जोड़ के सभी से विनती करता हूँ कि कहीं फाइनेंशियली प्रॉब्लम से, पैसों की दिक्कत से बेटी को पीछे ना हटना पड़ जाए। कोशिश मेरी भी पूरी रहती है, क्योंकि मैं एक टैक्सी चालक हूं और बहुत ही कम काम है आज की डेट में, बहुत कम है टैक्सियों का काम, क्योंकि सबके पास अपने अपनी गाड़ियां हैं। अभी सुबह शाम का सब्जी पानी का खर्चा चलाना थोड़ा दिक्कत वाली बात है, जिसके लिए मुझे जो है आज जो है सबसे मदद की अपील करनी पड़ रही है। और जबकि मैं खुद जो कोई ऐसा पेशेंट हॉस्पिटल के अंदर में रह जाता है जिसके बेचारे पास पैसे नहीं होते हैं, तो मैं एक वीडियो डालने के बाद में उसकी पूरी मदद का इंतजाम हो जाता है, चाहे वो कपड़ा जूता, चाहे वो ऑपरेशन का सामान, चाहे उसकी दवाइयां, चाहे उसका खाने का, सारा हो जाता है। मगर आज मैंने अभी 2-3 दिन पहले लोकल न्यूज ऑफ इंडिया वाले ने इंटरव्यू किया था, उसमें मेरे खाते में सिर्फ बेटी के खाते में 4200 रुपए आया है, 4200 रुपए। तो मतलब मुझे कहीं तो कहीं ऐसा फील हुआ है कि जब यार हम लोगों की मदद के लिए इतना गुहार लगाते हैं, तो 30-30, 40-40 हजार रुपए डोनेशन मेरे पास आ जाती है, जिसका जिससे हम पेशेंटों का इलाज अच्छे से कर सकते हैं, और कुछ हम खुद भी करते हैं, कुछ डॉक्टर भी मदद करते हैं, चाहे ऑपरेशन में, चाहे दवाइयों में। तो मगर आज जब मैंने लोकल न्यूज ऑफ इंडिया के माध्यम से ये एक न्यूज डाली थी कि भाई मेरी बेटी ने इस तरीके से रशिया जाना है, तो मैं हाथ जोड़ के सभी से अपील करता हूँ, जितना भी आपसे दानी सज्जनों से दान पात्र में हो सके तो वो खाते में डालें और बेटियों को हम आगे पहुंचाए। मगर मुझे यहाँ पर निराशा ये हुई कि अभी तक 5-6 दिन में जो है 4200 रुपए आया है, 4200 रुपए, जबकि मेरे 2 दिन में मेरी वीडियो पर जो है 20-20 हजार और 25 हजार समथिंग, 30 हजार ऐसे आ जाते हैं। मगर आज मुझे ये नहीं लगा पता कि पता नहीं मेरी वीडियो दानी सजनों तक पहुंची है या नहीं पहुंची है। मगर अभी मैं अपील जी करना चाहता हूँ किन्नौर अब तक के माध्यम से कि भाई बेटी को बढ़ चढ़ कर जो है आगे भाग लेने के लिए मेरे मेरी अपील पे थोड़ा बहुत जो भी धनराशि आपकी तरफ से हो सके इसके खाते में डाले, ताकि मैं इसको अप्रैल या मई में जो है रशिया के लिए 4 महीने की ट्रेनिंग करने के लिए भेज सकूं, और ये आगे एक भारत के अंदर में एक बहुत बड़ा मुकाम हासिल कर सके। जी
जी सर, बहुत बेहतरीन। अभी कम समय है, कम समय में जो है पिताजी को जो है इतना जो है बेटी के लिए रशिया भेजना है। और दूसरी बात, जैसे कि कहा कि पवन नेगी कहते कि अपने सोशल मीडिया में जब डालते तो 15-20-50 हज़ार तक इकट्ठा होता है। मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ, आपने ध्यान थोड़ा सा देना प्लीज। क्या होता है कि आप एक सोशल एक्टिविस्ट हो और सामाजिक उससे जुड़े हो, तो आपको अपने पेज से भी करना पड़ेगा। क्योंकि कई बार क्या होता है कि जो है आपके पेज के फॉलोअर जो हो सकता है वो ज्यादा दानीवर हो, क्योंकि वो आपकी अपडेट को एकदम एक्टिव लेते हो। क्योंकि कई प्रकार क्या होता है कि हमारा हमारा अपडेट, हमारा जो स्टेटस का वो अलग जाता है, जो हम लिखते हैं या उसको पढ़ने में थोड़ा टाइम लगता है, आप एकदम ही किसी के मदद के लिए वहां पर लाइव आते हो या कुछ करते हो, ये थोड़ा फर्क पड़ता है। तो आपको अपने पेज का भी सहारा लेना पड़ेगा, आप ध्यान दीजिए। क्योंकि हर आदमी के आप अपने फॉलोवर होते हैं, और आपके जो फॉलोवर है आपको किस प्रकार से फॉलो करते हैं, हो सकता है तो उन तक हो सकता है मैसेज भी नहीं गया हो। तो ये इसके लिए आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, आपके अपना पेज को आपके द्वारा भी उसमें भी आपको अपील करना होगा। क्योंकि ये बेटी का भविष्य का सवाल है, और खासकर बेटी का भविष्य जुड़ा हुआ है खेलों से संबंधित और भारत के मान सम्मान से संबंधित और हमारे हिमाचल और किन्नौर के शान से संबंधित, ये मिला हुआ है। क्योंकि एक प्रोफेशनल जॉब को लेकर नहीं है, क्योंकि अगर बेटी अगर सक्षम बनती है तो भारत के लिए खेलेगी, हिमाचल का नाम ऊंचा करेगी और किन्नौर का नाम तो ऐसे भी ऊंचा होगा। तो इसके लिए आपको भी अपने पेज से अपील करना होगा। तो चलिए, जहां तक हो सकता है हमारा प्रयास रहेगा बिटिया, जब तक जो है जब तक बिटिया का जो है जाना नहीं होगा, तब तक हम भी जो है बीच बीच में अपडेट करते रहेंगे। क्योंकि ये हमारे किन्नौर की बिटिया है, भारत की बिटिया है, हिमाचल की बिटिया है। फिलहाल तो चलिए सर, ये हमारे भारत की भूमि है, बहुत सारे दानवीर है, दक्ष है लोग, और समय से कई बार जो है टाइम से जो है लोगों तक मैसेज जो है ना समय पर नहीं पहुंचा हो या ध्यान नहीं दिया हो, लेकिन अभी दोबारा अपडेट होगा। तो सर पुनः आपके लिए बधाई, और जाते जाते कुछ और कहना चाहेंगे जो है किन्नौर पेज के दर्शकों के लिए, जो आपकी जो आपके हर बातों को हमने नोटिस किया है। जी मेरा जाते जाते ही सभी लोगों से अपील है, किन्नौर वासी से भी, पूरे हिमाचल वासी से, पूरे भारत वासी से भी, जो भी हमारी इस रिक्वेस्ट को सुन रहा होगा तो हमें बढ़ चढ़ कर सपोर्ट करें, ताकि हम इस लड़की का हौसला बुलंद करें। बॉक्सिंग में भी ये गोल्ड मेडलिस्ट है, किन्नौर से ही उरनी में स्टेट लेवल का बॉक्सिंग का वो मैच हुआ था, वहां पर एक गोल्ड मेडलिस्ट है। और शिमला में ये बुशु गोल्ड मेडलिस्ट है, बुशु का खेल भी इसने गोल्ड मेडलिस्ट है उसमें भी। और रोडू में तो आपने बता ही दिया कि रोडू में भी एमएमए फाइट में जो इसका गोल्ड था, और इस मतलब अभी 45 देशों में जो एशिया का सबसे बड़ा मैच हुआ था तो उसमें भी ये गोल्ड मेडलिस्ट थी। और अभी हाल ही में तो आपने देखा होगा कि मुंबई के अंदर में जो फाइट हुई है उसको सब देख रहे हैं, उसमें भी ये गोल्ड मेडलिस्ट है, और नासिक में भी इसमें सिल्वर गोल्ड है। तो मैं ये चाहता हूं कि अब इसको थोड़ा सा ट्रेनिंग का, हार्ड ट्रेनिंग जिसके लिए बोलते हैं कि हार्ड वर्क करने का जरूरत है, जो इसका रशिया में 4 महीने का ट्रेनिंग है, अगर हम उसमें नहीं भेज पाए तो शायद ये मेरे लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात होगी। और कोशिश करेंगे कि ये पहुंचे, ये जाएं और एक अच्छा मुकाम हासिल करके भारत के लिए लौटे। जी, बहुत खूब। और और ये इन सब उम्मीद के आप लोगों साथ की जी इस सहयोग से होगा, वरना मेरे लिए कुछ नहीं हो सकता। जी तो चलिए, यहाँ पर शायद कुछ लोगों ने ढालना भी शुरू कर दिया है, जैसे जैसे शेयर होता रहेगा लोग जो है जुड़ते रहेंगे और डालते रहेंगे। तो ठीक है सर, बहुत बहुत आभार। तो बिटिया से 2 मिनट बात करेंगे, उसके बाद हम इस एपिसोड को यहीं खत्म करते हैं। जी प्रियम जी, प्रियम प्रियम बिटिया, शुभ रात्रि सर।
प्रेम बिटिया जी, हम आपको आशीर्वाद, किन्नौर के सभी लोगों का आशीर्वाद आप पर रहे और हिमाचल के सभी लोगों का, भारत के सभी लोगों का आशीर्वाद रहे। जाते जाते आप और अपील करना चाहते हो हमारे देशवासियों से, हमारे किन्नौर से, हिमाचल से, तो आप कीजिए और उसके बाद हम फिर आपसे मिलेंगे जब आप रशिया जाकर आओगे। जी तो बिटिया का संपर्क टूट गया है और फिलहाल हमने आपको कहा कि जितना हो सकता है संभव करें कि आप 500 हजार रुपये जो है बिटिया के खाते में डालने की कोशिश करें, ताकि बिटिया का जो सपना पूरा हो। जैसे कि पवन नेगी ने कहा कि जब भी वो दूसरों को मदद करना चाहते थे तो एक अपील में 20 हजार 50 हजार उनके अकाउंट में इकट्ठा होता था। आज जो है हुआ नहीं, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हो सकता है तकरीबन जो मैसेज जो है लोगों को सही तरीके से मतलब गया तो होगा, ध्यान नहीं होगा, लेकिन कुछ ऐसा भी होता है कि लास्ट लास्ट का महीना होता है, अंतिम महीने में किसी के अकाउंट में पैसा नहीं होता है, लेकिन फिर भी प्रयास करें, फिर भी प्रयास करें आप जो है जितना हो सकता है। जी बिटिया, सिग्नल की दिक्कत है। आप जाते जाते किन्नौर के जनता से और हिमाचल के जनता से, भारत के जनता से अपील करना चाहेंगे तो कीजिए, और उसके बाद हम मिलेंगे आपसे जब आप रशिया जाकर आओ। जी सर, मैं सिर्फ इतना ही बोलना चाहूंगी कि लाइफ मतलब सबको सपोर्ट करना चाहिए। और अभी अगर मैं जा रही हूँ, अभी आप लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हो, क्या पता कल के लिए मेरे मेरे थ्रू बहुत से एथलीट यहाँ से निकले, क्योंकि हिमाचल एक ऐसी जगह है जहाँ से सबसे ज्यादा स्पोर्ट्स पर्सन निकलते हैं, पर वो फाइनेंशियली दिक्कतों की वजह से रुक जाते हैं, आगे नहीं बढ़ पाते हैं। धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े, हमारे किन्नौर पेज के एपिसोड में जुड़े, और लोगों तक हमारा एक प्रयास रहा कि जो हमारी बेटी को रशिया तक पहुंचाए, और आपको खेल को लेकर भी लोग उत्साह और जो है आगे बनाए रखेंगे और उनके अंदर में वो जोश रहेगा कि बिटिया जल्दी जो है रशिया जाए और आए और भारत के लिए खेले। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि बिटिया जी। तो प्रियम नेगी जी हमारे साथ जुड़े थे, जो एक एथलीट है, एमएमए एक अलग प्रकार का खेल है जिसमें लात घूस और डेंजर प्रकार का खेल कहेंगे, रेसलिंग की तरह मिलता जुलता, और इस प्रकार का खेल में एक महिला का आना, और वो भी हमारे हिमाचल और किन्नौर की बिटिया का, बहुत बेहतरीन, और उन माता पिता के लिए जो आज के दौर पे हमारे बेटियों को आगे ले जा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो है आर्थिक तंगी से हम अपने बेटी के अपने बच्चों का भविष्य को जो है उज्जवल नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन आज डिजिटल जमाना है, बहुत सारे एनजीओ है, बहुत सारे संस्था है, बहुत सारे राजनीतिक दल है, बहुत सारे लोगों के पास पैसे हैं, तो कोशिश कीजिए हमारी बेटी जो है रशिया पहुंचे और अपने सपने की उड़ान को साकार करे। आप भी हम भी सब मिलकर मदद करेंगे और बिटिया को जितना हो सकता है, क्योंकि बिटिया को 4-5 लाख रुपए की जरूरत है और कम समय में घर जाना है, रशिया जाना है। कहने का मतलब ये, अगर तो पीरियड होता 1-8 साल का तो अपने पिताजी कुछ ना कुछ करते, लेकिन कम समय है, अभी फरवरी है, मार्च अप्रैल में जाना, तो ऐसे टाइम में 4-5 लाख रुपए करना बहुत ही मुश्किल है। तो आप सभी से निवेदन करते हाथ जोड़ के, हमारी जो प्रियम बेटी के लिए मदद करें, आगे आए, और जो गूगल नंबर है हमने डिस्प्ले किया, हमने अपने स्टेटस में भी ढाला है और इधर एपिसोड में भी डिस्प्ले किया और उनका अकाउंट नंबर भी। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, और कोशिश कीजिए कि हमारे जो आसपास के ऐसे कई बच्चे होंगे जो पढ़ने के लिए मजबूर है या फिर खेल के लिए कई जो है आर्थिक तंगी है, तो उनको मदद करने के लिए हम एक दूसरे का प्रयास करें। तो ये आपके प्रयास से, हम के प्रयास से, हमारे प्रयास से सब होंगे, लेकिन आप बताना चाहता हूँ बहुत सारे एनजीओ है हिमाचल के अंदर में काम कर रहे हैं और बहुत सारे जो है इंडस्ट्री है,
और मैं सरकार से भी अपील करता हूँ, हमारे एडमिनिस्ट्रेशन है, ऐसे इस प्रकार के बच्चों की मदद के लिए उन्हें भी आगे आना चाहिए और सरकार की कई स्कीमें उनको आगे डालना चाहिए। तो ये थी पीएम बेटी का एक सपनों की उड़ान को लेकर एक छोटी सी चर्चा, और मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए बने रहे, नमस्कार, शुभरात्रि। नमस्कार, किन्नौर पेज से मैं राम गतनेगी। बागवान भाइयों के लिए आज से हर किस्म के पौधे उचित दामों पर यहां उपलब्ध होगा। जल्द संपर्क करें नीलकंठ नर्सरी भावानगर, मोबाइल नंबर 8219958655, 8995। यहाँ पर एक कमेंट आया था हमारे जाते जाते नंदराम जी का। नंदराम जी, अगर आप अपना नाम बता दें तो बेहतर रहता कि कहाँ से है। तो चलिए, फिलहाल भी आपने 1000 रुपये ढाला है, बिटिया के लिए बहुत बहुत आभार। और आप इस एपिसोड को शेयर करें ताकि ऐसे ही कई 1000 जो है और भी ढाले। जरूरी नहीं है कि आप जो है 1000 रुपये ढाले, आप 10 रुपये, 15 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये, 1000 रुपये, 2000, 10,000, जितना हो सकता है सहयोग करें अपने सामर्थ्य के अनुसार। नंदलाल जी, आपका अपने स्वागत, नमस्कार, शुभ रात्रि। Thank you.